इस वर्ष की सबसे बड़ी और अहम खबर निकलकर सामने आ रही है बोर्ड परीक्षा 2023 से जुड़ी। जी आप सभी को बता दें, बोर्ड परीक्षा 2023 को लेकर इस वर्ष की सबसे बड़ी और अहम खबर सामने निकल कर आ रही है। आप सभी को बता दें, बोर्ड परीक्षाओं को लेकर फिर से संकट के बादल मंडराने लगा है। आप सभी को बता दें, देश में कोरोना वायरस का कहर फिर से बढ़ने लगा है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से हाई अलर्ट जारी हो चुका है और सभी राज्यों को सख्ती से आदेश का ऐलान कर दिया और नियमों का पालन करने के लिए आदेश भी इस वक्त जारी हो चुका है। आप सभी को बता दें, अब कोरोना वायरस का कहर बहुत ज्यादा तेजी से फैलने लगा। कोरोना वायरस पड़ोसी देश चीन में लोगों की मौत भी हो रही है और ऐसे में भारत सरकार अलर्ट हो चुका है। भारत सरकार का कहना है कि हम इसको किसी प्रकार से रोकने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में ये सवाल उठता कि क्या इस बार बोर्ड परीक्षा कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा। ये सबसे बड़ा असमंजस इसकी स्थिति बना हुआ है सभी छात्रों के मन में, इस बार जो बोर्ड परीक्षा 2023 में बैठने वाले हैं। आप सभी को बता दें, कोरोना वायरस का कहर फिर से तेजी से बढ़ने लगा। ऐसे में बोर्ड परीक्षाओं को करवाने का समय भी आ चुका है, क्योंकि अब दिसंबर का महीना भी बीत चुका है और जनवरी आने वाला। ऐसे में सरकार का कहना था कि हम परीक्षाओं को फरवरी मार्च के भीतर करवा लेंगे, लेकिन दोस्तों अब कोरोना वायरस का कहर तेजी से फैलने लगा। ऐसे में असमंजस का माहौल बन गया है। इस बार फरवरी मार्च में एग्जाम होंगे या फिर नहीं होंगे, और इसको लेकर अभी तक सरकार की कोई भी स्थिति वो स्पष्ट नहीं की गई है कि हम परीक्षाओं को कब से करवाएंगे। हालांकि सरकार का कहना था कि समय से पहले पूरा परीक्षाओं को करवा लेंगे, लेकिन अगर मार्च में कोरोना वायरस का कहर रहता तो ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या सरकार परीक्षाओं को स्थगित करेगी या फिर परीक्षाओं को रद्द करेगी या फिर उसे घर बैठे ऑनलाइन ही करेगी। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि बोर्ड से जुड़ी हर अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी।